नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10,000 के घूस मांगने वाले देवरिया के जिला टीबी रोग कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गृजेश्वर मणि त्रिपाठी के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर गृजेश्वर मणि त्रिपाठी को किया सस्पेंड। घूसखोर बाबू के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने का दिया आदेश। गोरखनाथ मंदिर से गुरुवार की सुबह जयपुर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोवंश को अपने हाथों से खिलाया गुड़ चना। सीएम योगी के दुलार से निहाल हुए गोवंश। जनपद में 8 अक्टूबर तक होगी बारिश। बारिश के समय ना निकले घर से बाहर, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। माँ दुर्गा की प्रतिमा का लोग गाजे बाजे के साथ करने जा रहे हैं विसर्जन। सीओ कोतवाली ने कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न करवाने के लिए हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों व SSB जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। विसर्जन होगा सकुशल संपन्न। वन विभाग के कार्यालय से फाइलों की चोरी करने वाले अभियुक्त पप्पू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी हुआ फाइल किया बरामद, भेजा जेल। गुरुवार को धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का राप्ती घाट पर बनाए गए तालाबों में किया गया विसर्जन। सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। और जनपद में हुई लगातार बारिश से तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। बारिश के समय में नदियों में ना करें स्नान, एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से की अपील। अब खबरें विस्तार से। 10,000 की घूस मांगने पर देवरिया के जिला क्षय रोग कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गृजेश्वर मणि त्रिपाठी के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर गृजेश्वर मणि त्रिपाठी को सस्पेंड करते हुए उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने का आदेश दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति आर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवरिया के अधीन जिला क्षय रोग कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गृजेश्वर मणि त्रिपाठी को 5 अक्टूबर को सेवानिवृत्त कर्मचारी के देयकों के भुगतान के लिए 10,000 की घूस मांगने के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर घूसखोर गृजेश्वर मणि त्रिपाठी को अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बस्ती मंडल कार्यालय से संबद्ध कर दिया है और इस प्रकरण की विभागीय जांच हेतु अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बस्ती मंडल बस्ती को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इसके साथ ही विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा को भी उनके स्तर पर गठित जांच कमेटी की प्रारंभिक जांच के आधार पर नियमानुसार सुसंगत धाराओं के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उसकी प्रति महानिदेशालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि जिला क्षय रोग कार्यालय में तैनात एक रिटायर्ड कर्मचारी से देवरिया जिले के जिला क्षय रोग कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गृजेश्वर मणि त्रिपाठी बेधड़क 10,000 रुपए का घूस मांग रहा था और पैसा ऊपर तक पहुंचाने की भी बात करते हुए वायरल वीडियो में देखा गया और सुना जा सकता है, जिस पर योगी सरकार ने उक्त पर कठोर कार्रवाई किया है। गोरखपुर न्यूज भी इस पूरे मामले पर नजदीकी नजर रखेगी। हम नहीं रखेंगे। हम जो सिस्टम है, जो अधिकारी को हमको देना है, हम बोले रख लीजिए, हम रखेंगे पॉकेट में अपने। हमारी औकात है नहीं जानती होते, जान लो यहाँ पूरा तुम्हारा सारा क्लेम निकालने का 10,000 रुपया फीस है, उसमें सारा क्लेम तुम्हारा निकाल। अच्छा, हम लेंगे, खर्च हो जाएगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हम नहीं रिटर्न करते, तुम्हारा सारा कागज तैयार कराएंगे उसी दिन, ले आकर रखेंगे, उसके बाद जो मेरा हिस्सा है देंगे। अभी आपका है, हमें ठीक है।
को बता दे लेते फोन से नहीं हम बता सकते हैं, इसकी बात में पहले वाली सबके सामने नहीं है। फोन का जो है कि आज फोन किया जाए, कर्मचारी हो तुम आ गई, तुम जान लिए अपना कागज पत्र सब जो है भाई हो तो पूछे हैं ना उससे, नहीं अभी हम क्यों पूछते, उसका काम है मेरे पास भेजेगा तो हम कहेंगे नहीं भेजेगा। 1000 रुपया उनको उनको उसके लिए भेजा था उस दिन जो है जो लोड करता है उसको हम लोग 500 रुपया देते हैं लोड करा के, 1000 दिलवा दिया उसका हित है, वही मिर्जापुरी है उजनपुरी है तो भाई उनका रिश्ता है भिजवा दिया दिए हम। हम नहीं लेंगे बेटा, हम नहीं लेंगे, जिस दिन लेंगे पूरा लेंगे और उस दिन काम कराएंगे। ठीक वही आ जाएगा उसी समय सारा काम तुम्हारा एक दिन हम कराएंगे और हम लेके लफड़ा नहीं पाते लेके पैकेट में खर्चा हो जाएगा शाम तक, उसके बाद से निकाल के फिर अपने पास से देना पड़ेगा। शारदीय नवरात्र व विजयदशमी पर्व पर पारंपरिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए रविवार शाम से गोरखनाथ मंदिर में प्रवास कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह जयपुर रवाना हो गए। गुरुवार को जयपुर में स्मृति शेष पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य धर्मेंद्र की श्रद्धांजलि सभा व उनके उत्तराधिकारी की चादरपोशी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जाने से पूर्व उन्होंने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौसेवा की। गुरुवार की सुबह मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शिवावतारी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे। गाय बैल बछड़ों को उनके नाम से नंदी भोले गौरी श्यामा आदि बुलाया और दुलार कर अपने हाथों से गुड़ चना खिलाया। योगी की आवाज पर गोवंश झूमते हुए उनके पास चले आए। सीएम योगी के स्नेह सानिध्य में ये गोवंश भाव विह्वल और निहाल दिखे। योगी कुछ देर तक उन्हें दुलारते हुए बात भी करते रहे। गोवंश भी उनके पास ऐसे मगन रहे मानो उनकी सारी बात को समझ रहे हों। इनके लिए चारा भी है कि नहीं है? इधर अरे आ इधर आ ले इधर आ ले ले आजा ना आजा कहीं तो ऐसे क्या घूम रहे जनपद में 8 अक्टूबर तक बारिश होगी, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में मंगलवार की सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अक्टूबर तक वर्षा होती रहेगी। अभी कहीं से भी किसी तरह की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वर्षा के समय गरज हो रही है, जिससे बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए बारिश के समय घर से बाहर ना निकले, जिससे कि बिजली की जनहानि से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। हमारे जनपद में आप जैसा देख रहे हैं रुक रुक करके बारिश हो रही है, कभी तेज कभी धीरे। जो अभी आगे का फोरकास्ट है कि 8 तारीख तक ये वर्षा होती रहेगी, परंतु अच्छी बात यह है कि पूरे जनपद में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मेरा अनुरोध है जनपद वासियों से, इस समय वर्षा के साथ साथ गरज भी हो रही है तो बिजली चमक रही है, वज्रपात हो सकता है,
तो आप घर से बाहर ना निकलें या ऐसी जगह पर आप सुरक्षित रूप से खड़े रहें जो कहीं सेड हो, जिससे वज्रपात की वजह से कोई दुर्घटना न हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद में धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ लोग विसर्जन करने जा रहे हैं, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि कोतवाली सर्किल में 329 मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसमें से अभी तक 273 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है और बाकी मूर्तियों का विसर्जन के लिए धूमधाम से ले जाया जा रहा है। देर रात उनका भी विसर्जन हो जाएगा, शेष मूर्तियां कल विसर्जित होंगी। उन्होंने बताया कि बुधवार को पारिस में भी पुलिस कर्मियों ने मूर्तियों के विसर्जन में अपनी ड्यूटी निभाई, जिससे मूर्तियां सकुशल विसर्जित हुई। गुरुवार को भी सभी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, सतर्कता पूर्वक मूर्तियों के विसर्जन करवाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिगत SSB जवानों व सिविल पुलिस कर्मियों, फायर विभाग की ड्यूटी लगाई गई है। सभी मूर्तियों को सकुशल विसर्जन करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, मारू का मूर्ति है। मूर्ति विसर्जन के लिए हम लोग DJ है, वहाँ की हम लोग समिति है और मूर्ति विसर्जन सहूलत से जा रहा है। लमसम 45 साल हो गया, लमसम 45 वर्ष ये हम लोग करेंगे। बाधा बड़ा अनन्या सिंह, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ इतने सारे लोग आए और यहाँ इतनी सारी माताएं आई हैं। हाँ, हर साल आते हैं। कितने सालों से? 5 सालों से आए। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, यहाँ इतने सारे लोग आए हैं
और माता जी कहते हैं अच्छे से विसर्जन हो रहा है इसलिए। कल हमारे थाना तीनों थाना क्षेत्रों में कुल मिलाकर के 329 मूर्तियों का विसर्जन आज स्थापित हुई थी, जिनका विसर्जन होना था, जिसमें से लगभग 273 के आसपास मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है और शेष मूर्तियों का विसर्जन आज प्रारंभ हो गया है। शाम तक, देर रात तक उनका भी विसर्जन हो जाएगा। केवल दो मूर्तियाँ जो कल विसर्जित होंगी। कल की वर्षा के बरसात को लेकर के पुलिस काफ़ी सतर्क थी, बारिश में भी रेनकोट पहन करके, छाता लग करके सब लोगों ने ड्यूटियां काफ़ी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया, जिससे सब मूर्तियां सकुशल विसर्जित हुई। आज भी पुलिस सतर्क है, ड्यूटियां लगी हुई हैं, सब लोग विसर्जन में अपना सहयोग कर रहे हैं, सुचारू रूप से विसर्जन हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी प्रमुख चौराहों पर सशस्त्र सीमा बल की फोर्स, पीएसी और सिविल पुलिस की फोर्स लगाई गई है। जगह जगह पर फायर के टेंडर रखे गए हैं और सिविल पुलिस अपनी सतर्क ड्यूटी कर रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 10,000 के घूस मांगने वाले देवरिया के जिला टीवी रोग कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गृजेश्वर मणि त्रिपाठी के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर गृजेश्वर मणि त्रिपाठी को किया सस्पेंड। घूसखोर बाबू के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने का दिया आदेश। गोरखनाथ मंदिर से गुरुवार की सुबह जयपुर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोवंश को अपने हाथों से खिलाया गुड़ चना। सीएम योगी के दुलार से निहाल हुए गोवंश। जनपद में 8 अक्टूबर तक होगी बारिश। बारिश के समय ना निकले घर से बाहर, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। माँ दुर्गा की प्रतिमा का लोग गाजे बाजे के साथ करने जा रहे हैं विसर्जन। सीओ कोतवाली ने कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न करवाने के लिए हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों व SSB जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। विसर्जन होगा सकुशल संपन्न। वन विभाग के कार्यालय से फाइलों की चोरी करने वाले अभियुक्त पप्पू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी हुआ फाइल किया बरामद, भेजा जेल। गुरुवार को धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का राप्ती घाट पर बनाए गए तालाबों में किया गया विसर्जन। सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। और जनपद में हुई लगातार बारिश से तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। बारिश के समय में नदियों में ना करें स्नान, एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से की अपील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने वन विभाग कार्यालय से फाइल की चोरी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पप्पू पुत्र रामबचन निवासी बबलिया बाबू थाना सिंधुलिया जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है, जिसके पास से एक बंडल फाइल कागजात सहित बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि वादी मुकदमा सुधीर कुमार प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्यालय रेंज गोरखपुर द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर को मुख्य वन संरक्षक पूर्वी क्षेत्र के कार्यालय से दिनांक 30 सितंबर की रात्रि में अभिलेखों की चोरी होने के संबंध में थाने पर एक तहरीर दिया गया था, जिसकी सूचना के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं फुटपाथ पर इधर उधर रहता हूं व रात में अपने साथियों के साथ कबाड़ बीनने का काम करता हूं और कबाड़ बीनने के साथ ही मौका मिलने पर चोरी भी कर लेता हूं। मेरे अन्य साथी पिंटू, अर्जुन व मोनू हैं, हम सब साथ में ही फुटपाथ पर रहते हैं। इसी तरह 30 सितंबर की रात में मैं अपने साथियों के साथ कबाड़ बीन रहा था, उसी दौरान मौका पाकर हम लोग वन विभाग के परिसर में घुस गए और कार्यालय से कुछ फाइल चोरी कर लिए थे। साहब, हमसे गलती हो गई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल विनय वर्मा, संदीप कुमार शामिल रहे। Thank you.
जनपद में धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन राप्ती घाट पर नगर निगम द्वारा बनाए गए तालाब में किया गया, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने बताया कि घाट पर नगर निगम द्वारा 3 तालाब बनाए गए हैं। सभी तालाबों पर उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। तालाबों में NGRF SGRF की टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि किसी भी तरह की घटना को होने से रोका जा सके। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर पुलिसकर्मियों व ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सभी तालाबों पर एक उप निरीक्षक के साथ 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। मूर्ति विसर्जन को सकुशल सम्पन्न करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज योगेंद्र सिंह ने कहा,
कृत्रिम रूप से 3 तालाबों का निर्माण किया गया है। सभी तालाबों पर अलग अलग उपनिरीक्षक के नेतृत्व में टीमें लगाई गई हैं। गोताखोर, NDRF और SDRF की टीमें सभी तालाबों के किनारे लगाई गई हैं। इसके अलावा जो हमारी रोड व्यवस्था है वहाँ पर भी पुलिस फोर्स और ट्रैफिक के कर्मी लगाए गए हैं, जिससे किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। यहाँ पर जो 3 तालाब हैं, अलग अलग तालाबों के ऊपर उपनिरीक्षक के नेतृत्व में 1 उपनिरीक्षक और वहाँ पर 4 कांस्टेबल, 2-2 महिला कांस्टेबल लगाई गई हैं सभी जगह पे। बाकी जहाँ पर एंट्री होती है एंट्री पॉइंट पर भी फोर्स लगाया गया है। जो रोड व्यवस्था है वहाँ पर भी जोन और सेक्टर में बांटकर फोर्स लगाया गया है। जनपद में हुई बारिश से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके संबंध में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में राप्ती व सरयू नदी एक लंबी दूरी तय करती है तथा बाकी नदियां इनकी सहायक व छोटी नदियां हैं। अभी तक की हुई वर्षा से नदियों का जलस्तर सामान्य है, कहीं पर भी नदी का पानी खतरे के निशान तक नहीं पहुँचा है, लेकिन नदियों में पानी अधिक हो गया है। मेरा नागरिकों से अपील है कि ऐसे समय में नदियों में स्नान करने के लिए ना जाएं, जिससे कि दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, लेकिन नगर निगम लगातार प्रयास करके पानी को निकाल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में राप्ती नदी एक लंबी दूरी तय करती हैं, सरयू नदी भी एक लंबी दूरी तय करती हैं, शेष नदियाँ इनकी सहायक और छोटी नदियाँ हैं। जो अभी 3-4 दिनों से वर्षा हो रही है उसके कारण अभी नदियों का जलस्तर सामान्य है, कहीं किसी भी नदी का जलस्तर अभी चेतावनी के बिंदु तक भी नहीं है, परंतु नदियों में पानी अत्यधिक है। मेरा अनुरोध है आम नागरिकों से, गांव के निवासियों से, कि ऐसे समय में नदी में ना जाएं, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जल जमाव कैसे, जल जमाव नगर क्षेत्र में कहीं कहीं हो सकता है। नगर निगम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, नगर क्षेत्रों ने भी अच्छा काम किया है। अचानक जब बड़ी वर्षा हो जाती है, भीषण वर्षा हो जाती है, तब कुछ देर के लिए पानी रुकता है और उसके बाद पानी निकल जाता है। इस बार ये काफी अच्छी स्थिति है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 10,000 के घूस मांगने वाले देवरिया के जिला टीवी रोक कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी गृजेश्वर मणि त्रिपाठी के वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर गृजेश्वर मणि त्रिपाठी को किया सस्पेंड। घूसखोर बाबू के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने का दिया आदेश। गोरखनाथ मंदिर से गुरुवार की सुबह जयपुर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने गोवंश को अपने हाथों से खिलाया गुड़ चना। सीएम योगी के दुलार से निहाल हुए गोवंश। जनपद में 8 अक्टूबर तक होगी बारिश, बारिश के समय ना निकले घर से बाहर, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी।
माँ दुर्गा की प्रतिमा का लोग गाजे बाजे के साथ करने जा रहे हैं विसर्जन। सीओ कोतवाली ने कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न करवाने के लिए हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों व एसएसबी जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। विसर्जन होगा सकुशल संपन्न। वन विभाग के कार्यालय से फाइलों की चोरी करने वाले अभियुक्त पप्पू को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी हुआ फाइल किया बरामद, भेजा जेल। गुरुवार को धूमधाम से मां दुर्गा की प्रतिमा का राप्ती घाट पर बनाए गए तालाबों में किया गया विसर्जन। सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। जनपद में हुई लगातार बारिश से तेजी से बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। बारिश के समय में नदियों में ना करें स्नान, एडीएम फाइनेंस ने नागरिकों से की अपील। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।